राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लालपानी को शिक्षा का आदर्श केंद्र बनाने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए गए हैं। शायद यही वजह है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लालपानी अपना एक विशेष पहचान प्रदेश में बनाई है। वहीं मंगलवार विद्यालय में वार्षिक पारितोषिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 300 से ज्यादा छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रामकृष्ण मार्कंडे ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। देखिए, लालपानी स्कूल एक बहुत ही प्राचीन समय से, मतलब प्राचीन तो मैं क्या कहूँ, बहुत ऐतिहासिक स्कूल है हमारे लिए, हमारे प्रदेश में, पूरे देश भर में इसका नाम है। तो इसका एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो बच्चों के लिए पूरे साल भर की गतिविधियाँ, पूरे साल भर बच्चों की अचीवमेंट्स, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको उसका अवार्ड प्राइज या पारितोषिक देने के लिए मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल और इनके सभी स्टाफ मेंबर्स को हार्दिक बधाई देता हूं, सभी बच्चों को, सभी प्राइज विनर्स को, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं आज के इस शुभ दिन के। आज हमारे विद्यालय का बॉयज़ स्कूल शिमला का जो एनुअल फंक्शन है, ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि साल भर जो बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं और लास्ट में हम उनको पारितोषिक देते हैं, ताकि जो और बच्चे हैं उनको भी प्रेरणा मिले, और ये विद्यालय के लिए बहुत आवश्यक। आज कल्चर प्रोग्राम और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिन बच्चों ने साल भर किया उनके लिए प्राइजेज हैं। साल भर जो बच्चा फर्स्ट आता है क्लास में, सेकंड आता है, उनको प्राइजेज हैं, और जो हमारे स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ होते हैं स्टेट लेवल तक, उसमें प्राइजेज हैं, और कल्चर के एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्राइजेज रखे हुए। वो सब बच्चों को 310 के आसपास प्राइजेज हम बच्चों को देने वाले। Oh, 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 oh